बहुत बड़े उम्मीदवार जो लगातार उस क्षेत्र से दिन रात मेहनत करके चार बार और जनता की सेवा करके और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वैसे हमारे नेता श्री सुनील पांडे जी और उनके सुपुत्र विशाल प्रशांत जी, आज दोनों नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई है और हम दोनों नेता का, विशाल प्रशांत जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। और इनका अभिनंदन करते हैं। एक तरफ सुनील पांडे जी हैं और मेरे दाहिनी और विशाल प्रशांत जी। नया जनरेशन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। ताली बजाइएगा। आज बड़ी संख्या यहां पर आई हुई है। जो भी लोग उस विधानसभा से और उस जिला से आए हैं, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आपके बिना सुनील जी भी अधूरे हैं और विशाल प्रशांत जी भी अधूरे हैं। इसलिए असली मालिक सामने है तो मालिक, असली मालिक के नाम पर और आपका अभिनंदन करते हैं। किसी ने सही कहा है कि कार्यकर्ता या समर्थक उस पात्र के पानी के समान होते हैं जिसके बगैर सब कुछ सूखा होता है। तो आप समर्थक आए हैं तभी आज जो है हम इधर से बोल रहे हैं, तो कोई सुनने वाला ही नहीं रहता तो फिर फायदा क्या था। तो बगैर आपके सब अधूरा है और आज से आप लोग दिन रात मेहनत करके हमारे नवयुवक नेता विशाल प्रशांत जी को और सुनील भाई को मजबूत कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों ने आज ज्वाइनिंग के लिए पटना आए, बहुत कम शॉर्ट समय में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, महादेव का कृपा चल रहा है। तो हुआ क्या कि महादेव के कृपा के बीच ही ये ज्वाइनिंग हो। तो एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। बहुत बहुत पुनः स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु कुछ तो अंदाज लगा दिए होंगे। धन्यवाद। हाँ। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे अब सवाल, आज सवाल नहीं, आज सुनिए, आज बताते हैं, एक मिनट संबोधन। कल मोतिहारी जाना है हमको, मोतिहारी में बड़ा कार्यक्रम। बोल से लेकर 2015 तक हम लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं इंदौर और कड़ारी क्षेत्र से। पहले हम एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं 2000 से,
लेकिन आज हम अपनी पार्टी बीजेपी में विध्वस्त सम्मिलित हुए हैं और पार्टी का जो भी अगला निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी है वो भी अच्छा है और पार्टी को मजबूत करना है और पुनः इस बार सरकार बनाना है इसी संकल्प के साथ। जय श्री राम। चलिए।